जो नजर मिला के बात करे उससे बात करो, क्या जो नजर चुरा के बात करे ना उसकी बातों में कोई ना कोई तो फर्क है। कहावत है कुआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो जो एजेंट है ना, ये जो कोशिश कर रहे हैं हमारी चाल चलने की, नहीं चल पाएंगे। अच्छा, ये अपनी चाल भी भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। तीन चीजें होती है, रोड लाइट पानी। तो आप ट्रांसफार्मर देख सकते हो, ट्रांसफार्मर ने लगवा दिया है, ये केबल खिंचा के दे रहे हैं सबको, ठीक है जी। और रोड हम 30% पॉपुलेशन होने पर रोड पक्के बना के देंगे। आज भाई आत्मा तक बाहर निकल आई है। अच्छा जी, इतनी मेहनत की है दोस्तों, आपके लिए मेहनत करते हैं, धूप में, छांव में, हर तरह से। क्योंकि बार आपका भाई या तो दिवाली आपके साथ धूमधाम से बनाएगा या फिर दिवाली ही नहीं बनाएगा। सर मतलब आपने जो कहा वो करके दिखा दिया। आज भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे जो बोला जाता है ना वो पाया जाता है। प्रॉपर्टी लीजिए, कब तक रहोगे दूसरे के मकान में? सच्चाई ये है। हाँ जी, तो अपना खुद का रहेगा, अपने में आप कैसे भी रह सकते हो। अपने जब इतना प्यार दिया है, इतना हाईलाइट किया है, राज कटारिया को एक ब्रांड बनाया ना, हाँ तो उसके साथ जुड़ के रहें और मुझसे मिलने आते रहें। प्लॉट लो मत लो यार, एक हमारा बहुत अच्छा संबंध बन चुका है। सराज भाई आप देख सकते हो, राजा नारसिंह मेट्रो स्टेशन पे खड़े और ये आपकी मेट्रो चल रही है। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पे आपके लिए साइड लेके आया हूँ। और यहाँ पर सारे ऑटो वगैरह भी मिल जाते हैं जी आपको। यहाँ आपको मंडी, राशन की दुकानें, ऑटो वगैरह सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बस स्टैंड बिल्कुल आपको यहाँ से दिखा सकते हो, बस स्टैंड के पास में ही है वो, देख सकते हैं सारी बसें खड़ी हुई हैं यहाँ पर। सिर्फ यहाँ से 10 रुपए दे के आप अपने घर पे पहुँच सकते हो। सराज भाई, सराज भाई ये है मुंबई एक्सप्रेस वे। तो जैसा की मैंने बताया था, यहाँ से आप जेवर एयरपोर्ट के लिए निकल जाओगे और ये आपका मुंबई के लिए निकल जाएगा जी। क्या बात, और एक कट इसका यहीं रहेगा। हाँ जी, ये है NH2 जिसपे हम खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पे आपकी साइड है। तो सर आने वाले टाइम में दिल्ली से मुंबई की दूरी बहुत कम हो जाएगी, सिर्फ 6-7 घंटे की दूरी रहेगी। क्या बात है सिराज भाई, आप देख सकते हैं जमीन के आसपास बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या बात है, और स्कूल कॉलेज सारी चीजें भी बिल्कुल आसपास ही है, ठीक है जी। यानी एक तरह से कह सकते हैं सर, आने वाले टाइम डेवलपमेंट के बीचों बीच में जमीन है और फरीदाबाद में आती है, फरीदाबाद के बिल्कुल टच में NCR की जमीन है। सराज भाई, DPSG स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सारे स्कूल आपको बिल्कुल साइड की डिस्टेंस, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। 1 से 1.5 किलोमीटर पे एजुकेशन, मेडिकल, हॉस्पिटल, मार्केट, सारी चीजें मिल जाएंगी। इंडस्ट्री एरिया के बीचों बीच आपको ये जमीन मिल रही है, बिल्कुल आपके सामने ही इंडस्ट्री एरिया होगा। सराज भाई ये 5-स्टार होटल बन रहा है। सराज भाई यहाँ से ये है आपका शोफ्ता सीकरी कट, ठीक है। सीकरी से आगे आप यहाँ से साइड के लिए जाते हैं हम अपनी के, तो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारी साइड होने वाली है। सारी दुकानें आपको यहाँ आसपास मिल जाएंगी। हाँ जी, तो सारी कंपनी आसपास है, बंसल ट्रेडिंग कंपनी भी आपको यहाँ मिल जाती है जी, बिल्कुल। तो राज कटारिया जी, ये तो हमारी साइड के बिल्कुल नजदीक में देख रहा हूँ क्वालिटी डेयरी, हमारे अक्षय कुमार जी जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे आपकी साइड होने वाली है, आपका घर होने वाला है। क्या और ये आप क्वालिटी डेयरी देख सकते हो, इंडस्ट्री एरिया, एजुकेशन आपके बीचों बीच की जमीन है, रोड देख सकते हो। आपको सरकारी बूस्टर भी मिलेगा जो कि पानी की सप्लाई के लिए होता है, और उसी के टच में आपको गवर्नमेंट स्कूल भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो पानी की, रोड की, लाइट की, मार्केट की, कंपनी, इंडस्ट्री एरिया, ये आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल है। ये जो बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, ब्लैक रोड आप देख रहे हो, क्या बात, यहाँ से लेफ्ट में हमारी साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ राज कटारिया, काला रोड आपको मिलेगा बिल्कुल साइड पे। यानी इतने बड़े बड़े घर लोगों ने बनाए हुए पहले से। हाँ जी, हमारी साइड पे ये लोग ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से आ गए राज कटारिया जी के पास, और जैसे की आपको बताया, आपको वादा किया था नए नए प्रोजेक्ट दिखाने का। तो आज की वीडियो में आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट आ गया है, जहाँ पर आप इस तरह के घर बने हुए देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर मीटर भी लगे हुए हैं, पानी की पूरी व्यवस्था है, और यहाँ पर आपको घर बनते हुए भी दिखाएंगे। यहाँ पर सारे घर बने हुए इस तरह की साइड आप देने वाले हैं हमें, तो इसकी लोकेशन क्या है? सराज भाई ये हरफली गांव, हाँ जी, बल्लमगढ़ के टच में, सीकरी सोफ्ता के टच में, बल्लमगढ़ के टच में हरफली गांव की जमीन है। हाँ जी, इसमें आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। हाँ जी, ये हमारा पहला हिस्सा है जो फेज 1 किया था। हाँ, फेज 2 इसके साइड में हमने अपनी जमीन एक्सटेंड की है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आप मतलब पर्सनली अपनी खुद की जमीन लेके आऊंगा, वो मैं आज आपको दिखाने आया हूँ। अच्छा जी, यानी दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट अब चालू हो गए एक के बाद एक
लाइक आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो राज कटारिया जी, मैं देख रहा हूँ मतलब आपने प्रॉपर्टी लॉन्च की और फटाफट से यहाँ घर भी बनने लग गए। जी बिल्कुल, पीछे एक घर बनना है। और ये अगर हम बात करें सर, कब का लिया हुआ होगा ये? 15 दिन पहले एक प्लॉट हमने मतलब सेल किया था। ठीक है जी, क्लाइंट हमारे सामने है, आप बात करना चाहो तो बात कर सकते हो। ठीक है, और ये अपना घर बना भी रहे हैं। अच्छा, और इनकी हमने मतलब 25% पे इनकी हमने रजिस्ट्री की थी, बाकी पैसे आराम से दे देंगे एक साल में। क्या बात है, तो हम मिलना चाहेंगे सर। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सर आप ही का घर बनना है? जी जी, मेरा बनना। तो आपका नाम क्या है सर? ये बबलू गौतम। बबलू गौतम, तो दोस्तों यहाँ मैं मिलवाने वाला हूँ आपको। सर आप जो यहाँ पर घर बना रहे हैं, कितना टाइम हो गया? 15 दिन हो गए लिए। 15 दिन हो गए। और आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा जो आप इतनी जल्दी घर भी बनाने लग गए? यहाँ पे बसावट भी है। हाँ जी, बाजार भी पास में है। ठीक है जी, पानी भी ठीक है। अच्छा जी, और रहना सहना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, यानी दोस्तों देखो लोगों का खुद का रिव्यू आप देख सकते हैं, जो लोग यहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं और वो हाथों हाथ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो राज कटारिया जी मैं देख रहा हूँ मतलब आपने एक और प्लॉट यहाँ पे बना हुआ है। हमारी कॉलोनी बसी हुई है, इसी के साइड में जमीन एक्सटेंड की है। रोड आप देख सकते हो, रोड की डिस्टेंस देख लो आप 50 मीटर है, पैदल जा सकते हो। कंपनी देख लो जी, 50 मीटर डिस्टेंस पे आपको कंपनियां मिल जाएंगी। ठीक है, जेसीबी कंपनी सारे आसपास मतलब बड़ी कंपनी मिल जाएंगी आपको। डेयरी आप देख सकते हो, क्वालिटी डेयरी भी बिल्कुल टच में है, रोड से ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, मार्केट बिल्कुल पास मिलेगी आपको। और बल्लमगढ़ राजा नरसिंह मेट्रो स्टेशन से 10 रुपए दे के आप अपनी साइड पे आ सकते हो। क्या बात, ठीक है जी। यानी सर कह सकते हैं जमीन के पास ही सारी चीजें मिलने वाली हैं। सारी चीजें मिल जाएंगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मार्केट सारी चीजें आपको मतलब आसपास मिल जाएंगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया, राज कटारिया जी ने अब से पहले जो भी प्रोजेक्ट आपको दिए बहुत ही अच्छी लोकेशन पर दिए। तो आज की वीडियो में जो हम ये प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं ये भी काफी अच्छी लोकेशन है। और सबसे बड़ी चीज देखो, बिजली का मीटर यहाँ लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था मिल रही है। मीटर आप देख सकते हो केवल खिंचा के देते हैं, रोड पानी लाइट सारी चीजें कंप्लीट करके देते हैं। और देखो पूरे घर बने हुए हैं और यहाँ पर और भी घरों का काम चालू है, ईंटें भी आ चुकी हैं। सर हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइस की और साइज की। आज की वीडियो में जो आप प्लॉट देने वाले हैं उसके साइज क्या होने वाले हैं और प्राइस क्या होने वाला है? सराज भाई कम से कम 50 गज का साइज है हमारे पास। 15x30 स्टैंडर्ड साइज होगा। ठीक है जी, 30x30 100 गज वो भी स्टैंडर्ड साइज होगा। स्टैंडर्ड साइज के सारे हमारे प्लॉट होंगे। ठीक है, 8000 और 8500 दो रेट है इसमें। क्या बात, और रजिस्ट्री के लिए 25% तहसील में लेके आओ, पहले रजिस्ट्री कराओ, उसके बाद आप पैसे दो, रजिस्ट्री म्यूटेशन सारी चीजें कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, और अगर कोई भाई ज्यादा किस्तों का टाइम चाहिए तो एग्रीमेंट पे हम उसको 24 महीने का टाइम देंगे। 50 गज पे 50,000 जमा कराओ, बाकी पैसे किस्तों में दे दो। 24 महीने का, 2 साल का टाइम मिलने वाला है। 2 साल का टाइम। ये लो दोस्तों, आपके लिए प्लॉट लेना बिल्कुल आसान कर दिया है। आप 2 साल तक किस्तें दे करके अपने घर के मालिक बन सकते हैं। और सर जैसे हम आपसे प्लॉट लेते हैं एग्रीमेंट पे हम बना तो सकते हैं ना किस्त बाद में? भाई मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी के पास बजट नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ घर बनाओ जी। क्या जब घर यहाँ बनाओगे तो फिर पैसे तो पीछे आ जाएंगे, आप अपना घर बनाओ। हमारा काम बसाने का सराज भाई। ठीक है जी, स्ट्रेटजी बना ली है, लोगों को बसाना है, दुआएं चाहिए हमें। क्या बात है, यानी दोस्तों आप यहाँ पे अभी अपना घर लेकर के बना सकते हैं और रह सकते हैं और बाकी का पैसा किस्तों पे दे सकते हैं, जैसे कि आप किराया देते हैं। जी बिल्कुल, आपको ऐसी जगह पर प्लॉट मिल रहा है जहाँ पर सारी यूएसपी आसपास मिलती हैं, जैसे कि मान के चलो स्कूल हो गया, कॉलेजेस वगैरह हो गए और बहुत सारी चीजें, रोज की मार्केट की चीजें होगी, ये सब आपको इस प्रॉपर्टी के पास मिलने वाली हैं। और रोजगार की बात करी थी जैसे सर ने अभी बताया था, सर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, पृथला इंडस्ट्री एरिया, एजुकेशन आपके बीचों बीच में ही देते हैं, जो भी प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, तो सर आपसे कोई मिलना चाहे कैसे मिल सकता है या साइट विजिट करना चाहे? सर बाटा चौक पे। हाँ जी, बाटा चौक पे अपना ऑफिस है। ठीक है जी, आरवी डिप्लोवर्स के नाम से फर्म खोली है। हाँ जी, जिसके मालिक आपके भाई है। ठीक है, आपका प्यार इतना मिला कि अपनी एक फर्म है आरवी डिप्लोवर्स के नाम से। ठीक है जी, तो सर यहाँ पर कोई प्लॉट लेना चाहे कैसे ले सकता है, आप पिक एंड ड्रॉप किस तरीके से कराते हैं? सराज भाई कोई दिल्ली से आता है तो बाटा चौक पे बस मतलब बस से भी आ सकता है, ऑटो से भी आ सकता है बदरपुर बॉर्डर से, और बाटा चौक मेट्रो स्टेशन भी आ सकता है, वहां से पिक एंड ड्रॉप कंपनी की गाड़ी भेज देंगे, आपको पिक एंड ड्रॉप वहां से किया जाएगा। और विजिट फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर खुद की कंपनी से बात कर रहे हैं। देखो सच्चाई ये है सराज भाई, सुनो सबकी करो मन की, एक बार देखने में कुछ नहीं जाता। हाँ जी, और बिल्कुल टच में लेके आए प्रोजेक्ट, और अभी तो और भी लेके आएंगे। अभी तो मतलब कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप बताना चाहूँ राज कटारिया जी किस पोस्ट पे, तो सर यहाँ तो मुझे लग रहा है कोई आपकी पोस्ट ही नहीं है, यानी खुद ही सर एक छोटी सी पोस्ट है डायरेक्टर की। छोटी सी फर्म खोली है, तो आपको किसके पास आना है दोस्तों? सीधा डायरेक्टर के पास आना है।
और ये आपको मिलेंगे, आपको नंबर स्क्रीन पर। सराज भाई, ब्रोकर्स के पास आप जाओगे, जो जमीन की कीमत 8-8.5 है वो आपसे 9-9.5-10 लेंगे। ठीक है जी। सीधा आप डायरेक्टर के पास आते हो, सीधा मालिक के पास आते हो, तो ये है कि आपकी ब्रोकरेज जो बीच के कमीशन होता है वो हट जाता है, वो आपको फायदा हो जाता है। तो कम से कम मतलब समझो 6 महीने बाद जो रेट होगा वो आपको आज ही मिल गया। ठीक है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर, जैसे डेवलपमेंट हो रही है ना, तो उसी हिसाब से प्राइस भी बढ़ते चले जाए। प्राइस मुंबई एक्सप्रेस वे कम्प्लीट होने के बाद यहाँ से 3 गुना मुझसे ले जाना। क्या बात है। ये लो दोस्तों, आपके लिए कितना अच्छा कह दिया सर ने, 2025 में 3 गुना पैसे मैं दूंगा। ये लो जी, यानी 3 साल में 3 गुना पैसे होने वाले। बड़ी बड़ी मतलब प्रतिमाओं से और बड़े बड़े सिंहासनों से बड़ा साम्राज्य नहीं बनता। अच्छा, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक विशाल हृदय होना चाहिए। और वो दोस्तों आपको कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा हमारे राज कटारिया जी के पास। यानी बहुत मैंने पहले भी कहा था, हम तो आपके सेवक हैं, हमारा काम तो आपका सेवा करना है, लेने वाले भी आप हो, देने वाले भी आप। सराज भाई, आपके व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर होगा। क्या जी? जो आप कह दो। नहीं सर, ऐसे देखो ऑफर तो आप ही बताएंगे ना प्रॉपर्टी में। पहले 10 प्लॉट पे बाउंड्री फ्री है। क्या बात है, यानी 10 प्लॉट जो पहले 10 बंदे आएंगे उनको बाउंड्री फ्री मिलेगी। उनके लिए बाउंड्री फ्री है। ये लो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आइए, 10 प्लॉट पे आपको बाउंड्री फ्री मिलने वाली है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई देगा ऐसी लोकेशन। और पहले 2 क्लाइंट जो होंगे उनके लिए रेस्टी, मोटेशन, बाउंड्री, तीनों चीज फ्री है। ये और बताओ, यानी जो हमारी शुरुआत है तो मतलब कुछ तो शुभ होना चाहिए। क्या बात है, जो सबसे पहले 2 क्लाइंट होंगे उनको रजिस्ट्री और बाउंड्री मोटेशन फ्री, उसके बाद जो जितने सारे हमारे मतलब क्लाइंट बचेंगे उनके लिए एक स्पेशल टूर होगा दिवाली पे मेरी तरफ से। क्या बात है। ये लो जी, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफर ही ऑफर मिलने हैं। अगर कोई हमारा व्यूवर्स इंडिया के बाहर से आपकी वीडियो देख रहा है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी कह सकते हैं भारत से बाहर के लोग बहुत सारे यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हैं, वो किस तरह से ले सकते हैं और आपके पास जो प्लॉट्स हैं किस तरह से आप प्रोवाइड कराते हैं? सर हमारे पास आपको 4 प्रकार की प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। किसी को रेजिडेंस के लिए चाहिए तो दे देंगे, ठीक है। किसी को इन्वेस्ट के लिए चाहिए तो भी दे देंगे, ठीक है। किसी को इंडस्ट्री एरिया में चाहिए, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। और कमर्शियल शॉप वगैरह के लिए चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है सराज भाई। और अगर कोई बंदा जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में रहता है, भारत मतलब इंडिया से ही है, तो वो विजिट करा सकता है, अपना कोई बंदा भेज सकता है, ठीक है जी। उसको विजिट कराई जाएगी, प्लॉट दिखाया जाएगा जो भी उसका मतलब होगा, और उसके बाद उसको हम मतलब पेमेंट लेंगे, और वो चाहे तो ऑनलाइन भी बुक कर सकता है सराज भाई। क्या बात है, यानी दोस्तों यहां पर आपको ऑनलाइन बुक करने की भी फैसिलिटी मिलती है जी।